जय माँ काली भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली टोटका, जिसका प्रयोग कर आप अपने दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं। टोटका बहुत ही सरल है। टोटके में जो मंत्र दिया गया है वो पूर्णतया सिद्ध किया गया है, अतः आपको मंत्र सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो सिर्फ हमने जैसे जैसे बताया है आपको सिर्फ वैसे वैसे ही करना है, और निश्चित रूप से आपको टोटके का फल प्राप्त होगा। टोटके का संपूर्ण रूप से फल प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप बिना कोई गलती किए हुए टोटके को कर पाएंगे। क्योंकि हम वीडियो के अंत तक कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जिनके अभाव में यह टोटका होना नामुमकिन है। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद ही टोटका करने का प्रयास करें। चलो अब हम आपको बताते हैं कि आपको ये टोटका करना कैसे है। सबसे पहले आपको 4 लौंग लेनी है, एक सफ़ेद कागज़ लेना है और एक लाल पेन लेना है। सफ़ेद कागज़ पर आपको लाल पेन से अपने शत्रु का नाम और उसका पता आपको लिखना है, और सबसे नीचे की तरफ आपको एक मंत्र बताऊंगा जो कि सिद्ध किया गया है, वो मंत्र लिखना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम कली कली अमुक जिंदगी मृत्युंजय कुरु कुरु फट। आपको मंत्र में हमने जहाँ अमुक बताया है वहाँ पर आपको अपने दुश्मन का नाम लेना है, यानी कि लिखना है, और बाकी हमने आपको जैसे बताया है वैसे ही आपको मंत्र लिखना है। मंत्र लिखने के बाद आपको 4 लौंग उसके ऊपर रख देनी है और उसे फोल्ड करके काले धागे से बांध देना है। फिर आप उसे अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें। मुट्ठी में बंद करके आपको हम आपको एक मंत्र बताएंगे, उस मंत्र का आपको जाप करना है। ये वही मंत्र है जो हमने आपको पहले जाप करके बताया था, उसी मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद कागज पर 7 बार फूंक मारनी है और उसे जला देना है। चाहे कैसे भी जलाए, उसे पूरा अच्छे से एकदम जला के उसकी राख बना दे। जैसे ही वो लौंग जलने शुरू होंगे वैसे वैसे आपका दुश्मन भी बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसका अंत होना शुरू हो जाएगा। लौंग जल के एकदम जब राख बन जाए तो उसकी राख आप चौराहे पर फेंक दें। ऐसा करते हुए आपको वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वैसे तो हमने आपको टोटके में हर एक बात बताई है, मंत्र भी बताया है, विधि भी बताई है, उसके बावजूद आप टोटका करते हैं और आपको फल प्राप्त नहीं होता है, तो आप गुरु जी से संपर्क करके भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और आप हमारे इस वीडियो को अपने इष्ट मित्र परिवारजन में जरूर शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके।